साउथ में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है, बहुमत से नहीं बल्कि बागी विधायकों की टोली लेकर। खैर यहां करीब 2 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले करप्शन का मुद्दा गर्मा गया है। ताजा मामला बीजेपी विधायक और उनके अफसर बेटे से जुड़ा है। बीते दिनों बीजेपी विधायक मंदल विरूपक्षपा की गिरफ्तारी भी की गई, जिसने कांग्रेस का काम और आसान कर दिया है। लेकिन चलिए कुछ पॉइंट्स में पूरा माजरा जानते हैं कि कर्नाटक में चल क्या रहा है। मदल विरूपक्षपा कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। कुछ वक्त पहले KSDL यानी कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन और बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त ने 40 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बाद में पता चला कि वो ये रकम अपने पिता की तरफ से ले रहे थे। ये रिश्वत टेंडर के लिए था, जिसमें KSDL को रॉ मटेरियल सप्लाई करना था। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने इनके घर से 8 करोड़ कैश भी जब्त किया था। लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक प्रशांत कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने साबुन और दूसरे डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक KSDL के चेयरमैन और बेटे ने बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षपा की ओर से ये रकम ली थी। ऐसे में रिश्वत लेने के इस मामले में पिता और बेटा दोनों ही आरोपी हैं। हालांकि विधायक ने इस तरह के किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार किया था। उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। हालांकि पहले कोर्ट ने जहां 5 लाख रुपए में विधायक को अग्रिम जमानत दी थी, जिसकी वजह से वो गिरफ्तारी से बच गए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लोकायुक्त के वकील ने जमानत अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और माना कि आरोपी जमानत नहीं बल्कि कस्टोडियल इंटरोगेशन का हकदार है, और इसी वजह से पुलिस बीजेपी MLA को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। इससे पहले 2 मार्च को पहले ही बेटे प्रशांत को गिरफ्तार किया गया था और बाद में वो चेयरपर्सन पोस्ट से भी हटा दिया गया था। बता दें, प्रशांत मदल कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर और बैंगलोर वाटर्स और सीवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भी है। अब बात करें टाइमिंग की, तो बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनाव के लिए सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। बीजेपी ने यहाँ कुछ पर्सनल सर्वे कराए हैं, जिससे उसे पता चला है कि यहाँ उन्हें बहुमत पाने के लिए जी जान लगानी होगी, और इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन ही है। पिछले 1 साल से कई कॉन्ट्रैक्टरों ने सुसाइड किया है। बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगे। कुछ महीने पहले ही एक संतोष पाटिल नाम के सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया था, जिसने ईश्वर अप्पा पर गंभीर आरोप लगाते हुए आखिरी मैसेज भी दिया था। संतोष ने 11 अप्रैल 2022 को खुदकुशी की थी। इसी से पता चला कि कर्नाटक में पेमेंट से पहले बिल पास करने के लिए 40% तक की रिश्वत देनी पड़ रही है। बीजेपी के सीनियर नेता और तब ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रहे ईश्वर अप्पा को बाद में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ। 16 जनवरी को स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों और मंत्रियों और विधायकों को 40% तक रिश्वत देनी पड़ रही है। इस दौरान एसोसिएशन ने माना था कि ये रिश्वत कांग्रेस सरकार में भी देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा है। आरोप था कि जुडिशियरी कमेटी की जांच में सबूत पेश किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अगर सबूत है तो सरकार को दिखाए, ना कि विपक्ष और प्रेस में बांटे। सबूत दिखाएंगे तभी तो सरकार जुडिशियरी कमेटी की जांच की बात करेगी। अब देखा जाए तो कांग्रेस के पास यही एक तगड़ा मौका है कि राज्य में दोबारा वापसी कर सके। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस और JDS ने गठबंधन सरकार बना ली थी। 14 महीने में ही कांग्रेस के विधायक बागी हो गए और बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि बीजेपी को 2 साल के अंदर ही येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से ही आने वाले बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी लिंगायत में उनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव में तुरुप के इक्की की तरह रखा है, ताकि कम से कम लिंगायत समुदाय पर बीजेपी कब्जा कर सके। अगर ऐसा होता है तो कुछ उम्मीद है कि बीजेपी कांग्रेस और JDS को फाइट दे सके,
लेकिन अगर अभी देखा जाए तो जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा गरमा रहा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।